अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आलम मंसूरी। ब्रेकिंग न्यूज़, नेपाल में चुनाव के बाद नतीजे आए लेकिन सरकार नहीं बनी। राष्ट्रपति ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। रूस ने तैनात की दुनिया की सबसे ख़तरनाक मिसाइल, 30 मिनट में तबाह कर देगी धरती का कोई भी हिस्सा। अर्जेंटीना 36 साल बाद वर्ल्ड चैम्पियन बने। अब खबर तफसील से। नेपाल में चुनावी नतीजे के बाद अब तक किसी की भी सरकार नहीं बन पाई है। इस वजह से राष्ट्रपति की तरफ से अब 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जिस भी दल को अपना दावा पेश करना है उसके पास 25 दिसंबर तक का समय है। नेपाल में चुनाव के बाद सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है। नतीजों से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा की नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं केपी ओली की पार्टी 79 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर खड़ी है। अब क्योंकि चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, अभी तक नेपाल में किसी की भी सरकार नहीं बन पाई है। इस वजह से नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने पार्टियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से अल्टीमेटम इसलिए भी दिया गया क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने औपचारिक नतीजे घोषित कर दिए हैं। बताया गया कि इस चुनाव में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 2 से 3 सहयोगी दलों को साथ लाकर ही सत्ता में आया जा सकता है। अब जिसे भी सरकार बनानी है उस दल को 25 दिसंबर को शाम 5 बजे तक अपना दावा पेश करना होगा। नतीजों की बात कर लेते हैं तो नेपाली कांग्रेस ने 275 सीटों में से 89 जीती है। सीपीएन यूएमएल के खाते में 78 सीट गई है। सीपीएन को 32 सीट से संतुष्ट करना पड़ा है। पहली बार चुनाव लड़ रही राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी ने भी 20 सीटें अपने नाम किया है। जनता समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें जीती है। जनमत पार्टी के खाते में 6 सीट गई है। रूस ने दुनिया की सबसे शक्ति और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया है। उसे तैनात भी कर दिया है। उसकी गति 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धरती पर कहीं भी किसी भी टारगेट को 30 मिनट में हिट कर सकती है। ये एक परमाणु मिसाइल सिस्टम है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 2022 आखिरकार 36 साल का लंबा इंतज़ार और 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैम्पियन बन गए। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले में कप्तान मेसी के शानदार प्रदर्शन और गोलकीपर के सनसनीखेज सेव में दम पर अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इसके साथ ही मेसी ने अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप मैच का अंत भी अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए किया और आखिर में फैसला पेनल्टी शूटआउट में, जहां अर्जेंटीना ने फिर अपना दम दिखाया और जीत अपने नाम कर लिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट पर अपनी राय दीजिएगा।